तुम ऐसा और तो कुछ नहीं कह सकती मैं तुम्हें सिवाय इसके कि सब्र करो। तुमने हानिया के लिए जो कुछ किया है ना, खुदा तुम्हें उसका अजर जरूर देगा। मुझसे मेरे बच्चे छीन गए बाप, मेरे बच्चे ले गया मुझसे, मुझसे मेरी जान मांग ले था, लेकिन मेरे बच्चे को लड़ने की क्या जरूरत थी, मेरी बच्ची चली गई, मेरे बच्चे ले गया मुझसे। खुद गर्ज हो गया है वो बेटी की मोहब्बत में, हर फर्ज हर रिश्ता भूल चुका है वो। उसे तो इस बात का भी एहसास नहीं कि उसकी माँ जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। शर्म आती है मुझे उसको भाई कहते हुए। माँ, तुम तो उसकी बहन हो ना, प्लीज मेरी बच्ची वापस ले आओ, मेरी बच्ची वापस ले आओ। उसे कहो कि मेरी बच्ची लौटा दे, वरना मैं मर जाऊंगी, मुझे मेरी बच्ची वापस चाहिए, मैं तुम्हारा क्या हाथ जोड़ती, मेरी बच्ची मुझे वापस लौटा दो, मेरी बच्ची मुझे वापस लौटा दो, मेरी बच्ची मुझे वापस लौटा दो। बस कर दो, इस तरह तो रो रो के हलकान हो जाओगे, तुम बीमार हो जाओगे, तुम्हें इस तरह रोता देख के पूरा घर रो रहा है, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे आंसू में ये घर भी बह जाए। नहीं कामिल, रोने दे इसे, आज अगर इसके आंसुओं को बहने ना दिया ना तो दिल फट जाएगा इसका, बह जाने दे इसके आंसुओं को। हानिया, आंटी आप क्या बात है रोहन, तुम्हें भरोसा नहीं है मुझ पर? ऐसी बात नहीं है आंटी, मुझे दे दो हानिया। आप लोग बैठे ना, आप लोग खड़े क्यों? हम बैठने नहीं आए हैं बेटा, हानिया के बारे में तुमसे बात करने आए हैं। तो आप लोगों को रूमी ने भेजा? नहीं नहीं बेटा, कल से तो वो कुछ कहने के काबिल ही नहीं रही, रो रो के उसने अपना हशर बुरा कर लिया है। हाँ रोहन, रोहन रूमी, रूमी हानिया के लिए तड़प रही है यार। अरे कम से कम उसकी खुशियों की खातिर ही कामिल को माफ कर दो प्लीज। आप जानते हैं ना कि हानिया मेरी बेटी है, रूमी की नहीं। बेटा, पैदा करने वाली माँ से पालने वाली माँ का दर्जा अफसल होता है। माना कि तुम्हें अरसे के बाद हानिया मिली है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम रूमी की गोद उजाड़ कर अपने खुशियों की बुनियाद रख दो उस पे। हाँ बेटा, तुम तो फिर भी अपना घर बसा लोगे, लेकिन रूमी के नसीब में तो हानिया के अलावा कोई औलाद ही नहीं लिखी। ये क्या कह रही है आंटी आप? हाँ बेटा, रूमी अब माँ नहीं बन सकती, उसके आंगन में हानिया ही सिर्फ एक फूल है। अगर हानिया ही उससे छीन लोगे बेटा तो वो जीते जी मर जाएगी। हाँ रोहन, रोहन रूमी, रूमी हानिया के लिए तड़प रही है यार। खुदा के वास्ते रूमी की खुशियों के खातिर ही अपना फैसला बदल दो यार। मान जाओ बेटा, क्या खबर इस कुर्बानी के सदके में खुदा तुम्हारी अम्मी को जिंदगी बख्श दे। मेरा फैसला अटल है, जा सकते हैं आप लोग। रोहन, क्या समझते हो तुम खुद को? कम से शगुफ्ता आंटी, मेरी अम्मी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ दे भीख मांग रहे हो तुम? तुम्हें जरा सा एहसास नहीं हमारा असल? अरे अम्मी, अम्मी दोस्त कहती थी वो उसे, ये दोस्ती निभा रहे हो तुम? हाँ, ये इंसान दिखा रहे हो तुम? सर क्या कर रहे हो?
छोड़ो, छोड़ दो। याद रखना रोहान, तुम भी कभी खुश नहीं रह सकोगे, कभी खुश नहीं रह सकोगे। बुखार बेहतर हुआ भाभी? नहीं, अभी भी बहुत तेज बुखार है। तुम दोबारा कॉल करो डॉक्टर को। अभी की थी मैंने, रास्ते में ही होंगे वो। भाभी आप उठें, दवाई खा लें प्लीज। क्या हालत हो गई इसकी? रूमी, रूमी क्या हुआ? काबिल क्या हुआ रूमी को? बहुत तेज बुखार है, डॉक्टर को कॉल किया, वो रास्ते में होगा। कल रात से रो रही, बीमार तो होगी नहीं बहू। अब बस भी करो, तसल्ली दो अपने दिल को, सबर के सिवा क्या कर सकते हैं। रोमियो मेरा बच्चा, मेरी गुड़िया, क्या हालत बना ली तूने अपनी, क्या हो गया है, किसकी नजर लग गई मेरी गुड़िया को, मेरी हंसती खेलती गुड़िया को। आज अगर बाबा जिंदा होते और तुम्हें इस हालत में देखते तो क्या वो खुश होते? देखो रूमी, हानिया, हानिया अब तुम्हारे नसीब में नहीं है, भूल जाओ उसे, भूल जाओ, खुदा के वास्ते भूल जाओ। भाई, भाई मुझे मेरी हानिया वापस ला दे भाई, मैं उसके बगैर मर जाऊंगी भाई, मर जाऊंगी भाई। भाई गए थे उसको समझाने, वो किसी की नहीं सुन रहा। शगुफ्ता आंटी बिल्कुल ठीक कह रही है, गए थे तुम्हारे उस दोस्त के पास, भीख मांगी, हाथ जोड़े, मिलते की उसकी, लेकिन वो, उसका दिल तो जैसे पत्थर का हो गया, किसी की नहीं सुनी उसने। देख लो भी, मेरा बच्चा, खुद को और हमें तक पाना बरकत दो प्लीज, और इस हकीकत को कबूल कर लो कि हानिया अब हमारी नहीं है, नहीं है वो हमारी। नहीं भाई नहीं, मैं सोच भी नहीं सकती, मैं अपनी बच्ची के बगैर मर जाऊंगी, मुझे मेरी बच्ची वापस चाहिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, बच्ची वापस ला दे भाई, भाई मुझे हानिया वापस ला दे, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी, मेरी बच्ची मुझे वापस चाहिए भाई, मुझे वापस चाहिए। अरे कामिल, जल्दी से कहाँ रह गया? चुप हो जाओ, वो नहीं है तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ मर चुकी है हानिया, प्लीज। डॉक्टर साहब कोई खतरे वाली बात तो नहीं है? जहनी दबाव की वजह से ये बेहोश हो गई थी, मैंने इन्हें सुकून का इंजेक्शन दे दिया है। डॉक्टर साहब वो ठीक तो हो जाएगी ना? इंशाल्लाह, लेकिन कोशिश कीजिए कि ये किसी किस्म का मजीद ज़हनी दबाव ना लें, क्योंकि ऐसी कंडीशन में दवा से ज़्यादा पेशेंट की विल काम करती है। जी बेहतर, थैंक यू डॉक्टर।
रोमी अब माँ नहीं बन सकती। उसके आंगन में हानिया ही सिर्फ एक फूल है। अगर हानिया ही उससे छीन लोगे बेटा तो वो तो जीते जी मर जाएगी। मैं हानिया को किसी कीमत पर वापस नहीं करूंगा। जा सकते हो तुम यहां से। जिंदगी भी कभी कभी क्या मजाक करती है। मेरी गफलत की वजह से जिस बच्चे की मां दुनिया से चली गई, उस बच्चे को मेरी बीवी की सूरत में मां मिल गई। कल मैंने हानिया की मां को उससे छीना था और आज तुम हानिया की मां को उससे छीन रहे हो। तुम हानिया के बगैर नहीं जी पाओगे और रूमी हानिया के बगैर मर जाएगी। मैं उसे इस तरह मरते हुए नहीं देख सकता। तुम्हारी और रूमी की जान हानिया में और मेरी जान रूमी। आज तक उसे जानने के अलावा और कुछ नहीं किया मैंने। हमेशा यही कोशिश किया है कि उसकी जिंदगी खुशियों से भरी हो और आज उसे खुशी देने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूं और किसी की जान भी ले सकता हूं। धमकाने आए हो मुझे? हाँ, तुम्हें क्या लगता है इस तरह से डरा धमका कर हानिया को छीन सकते हो तुम मुझसे? अपनी बीवी खो चुका हूं मैं कामिल। अब मेरी बेटी को मुझसे तुम तो क्या दुनिया की कोई भी ताकत नहीं छीन सकती। नहीं रोहन, आज कुछ तुमसे छीनने नहीं बल्कि अपना सब कुछ देने आया हूं। शायद अपनों को कोने और उनसे चुका होने की दुख सहने की बारी अब मेरी है। क्या कहना चाहते हो? क्या चाहता हूं? रोहन, मैं चाहता हूं कि हानिया के साथ साथ तुम रूमी को भी अपना लो। क्या? हाँ रोहन, उसे इस तरह से सबके मरते हुए नहीं देख सकता। गुनाह तो मैंने किया था लेकिन सजा कल भी रूमी को मिल रही थी और आज भी रूमी को मिल रही है। तेरी वजह से यतीम उस बच्चे के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया उसने। लेकिन आज कुर्बानी देने की बारी मेरी है। तुम पागल हो चुके हो कामिल। क्या बकवास कर रहे हो तुम? रूमी ने सारी जिंदगी सिर्फ तुमसे मोहब्बत किया, तुम्हारी है वो। अब मुझे हानिया के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तुम समझ नहीं रहे हो रोहन। तुम्हें 2 दिन नहीं हुए हानिया का पाप बने हुए। रूमी ने 8 महीने से हानिया को अपने सीने से लगाया हुआ है। नहीं जी पाएगी वो उसके बगैर। इसलिए हल यही कि उसे जिंदगी देने की उसकी जिंदगी से जाना होगा मुझे। शायद यही हमारी किस्मत थी। शायद इसीलिए वो हादसा हुआ। अब रूमी का नसीब हानिया से जुड़ा है। कोई उन्हें अलग नहीं कर सकता। तुम सोच रहे होगे कि मैं कौन होता हूं तुम्हारी किस्मत का फैसला करने वाला। सच तो यही है, तुम्हारी किस्मत का फैसला कल भी मेरे हाथ से नहीं, शायद आज भी कुदरत ने मुझे इसके लिए चुना है। बस रोहन, मुझ पर एक एहसान कर दो। रूमी को जिंदगी देने के लिए उसकी जिंदगी से जा रहा हूं। तुम रूमी को जिंदगी देने के लिए उसे अपना लो। कामिल, तुम ना मत करना रोहन। मना लूंगा कि तलाक तलाक में तोहफा होगा। साथ रह के तो कुछ नहीं दे पाया।
से दूर जाके दुनिया की सबसे बड़ी खुशी देना चाहता हूँ। ना मत करना। क्या हुआ मामा? मामा का ऑपरेशन अभी एक घंटे में करना होगा। लेकिन डोनर, डोनर का क्या हुआ? डॉक्टर्स कह रहे हैं डोनर का बंदोबस्त हो गया है। आप प्लीज जल्दी से डॉक्टर को कॉल कर लीजिए, पेशेंट की हालत बहुत खराब हो रही है। मगर ये याद रखना कि ये मेरी अमानत है तुम्हारे पास और कल इसे लेने आऊंगा। यहाँ क्यों खड़े हैं आप? अच्छा, बस दिल घबरा रहा। मैंने आपको बहुत परेशान कर दिया। नहीं, लेकिन मुझे तो तुम्हारी हालत देख के अंदाजा हो कि अपनों के बिछड़ने का दुख कितना तकलीफ देता है। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम हमेशा साथ रहेंगे, आप, मैं और हानिया। काश हमारी जिंदगी हमारी ख्वाहिशों के मुताबिक, काश हमें जिंदगी के फैसलों के इख्तियार। नहीं कामिल, इंसान के किए फैसले तो गलत हो सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले के लिए और वो जानता है कि हमारे हक में क्या होता है। देखे ना, अल्लाह ने किस तरह रोहान के दिल में रहम डाला, उसने सबको माफ भी कर दिया और हमें हमारी हानिया वापस लौटा दी। अब मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह रोहान को सब्र और सुकून दे।
रूमी चलो हम एक सेल्फी लेते हैं। थैंक यू कामिल, आपको अंदाजा नहीं है हानिया को वापस मेरी जिंदगी में लाकर आपने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। कामिल आपने मेरे और हानिया के कपड़े क्यों पैक कर दिए हैं? हम कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ। कहाँ? मैं बताता हूँ, तुम हानिया को तैयार करके नीचे आ जाओ। वो तो ठीक है, लेकिन बताएं तो सही हम जा कहाँ रहे हैं? रुको, मैं तुम्हारे सब सवालों का जवाब दूंगा। नीचे आ जाओ। कामिल कहाँ जा रहे हो? रूमी तुम भी साथ जा रही हो कहीं? पता नहीं आंटी, सुबह सवेरे कामिल ने मेरे और हानिया के कपड़े पैक कर दिए। पूछ भी नहीं हूँ कहाँ जा रहे हैं, बता ही नहीं रहे। कामिल जवाब दो, सांप सूंघ गया है क्या? बताओ कहाँ जा रहे? मैं आपको वापस आके बता दूँ। क्या मतलब वापस आकर बता दो? हम वापस नहीं आएंगे क्या? क्या छुपा रहे हैं आप? बात क्या है? तुम्हें कुछ भी सोचने से पहले ये जान लेना, मैं आज तक जो कुछ किया है तुम्हारी खुशी के लिए किया है, और तुम्हें खुशी देने के लिए मैं किसी हद तक भी जा सकता हूँ। पहेलियां क्यों भुजवा रहे हो? साफ साफ क्यों नहीं बता रहे क्या करने जा रहे हो? मेरा तो दिल घबराने लगा है। आप जानती हैं हानिया के जाने के बाद रूमी की क्या हालत थी। ऐसे इस तरह से सस्ते सस्ते जीते हुए नहीं देख सकता। रूहान किसी भी सूरत हानिया को वापस करने के लिए राजी नहीं था रूमी। कोई रास्ता नहीं था मेरे पास, बहुत बेबस हो गया था मैं। ना तो मैं हानिया को वापस ले पा रहा था, तुम्हें संभाल पा रहा था, इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि हानिया को वापस लेने के लिए और तुम्हें जिंदगी देने के लिए मुझे तुम्हारी जिंदगी से अलग होना पड़ेगा। क्या मतलब? रोहान और रूमी दोनों हानिया के बगैर नहीं रह सकते, इसलिए मैंने फैसला कर लिया तुम दोनों को एक करने के लिए तुम्हें तलाश। हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा सोचने की? बुज़दिल हर बार मौका देख के हालात से भागना आता है आपको। हादसा हुआ तो भाग गए, रिश्ता नहीं हो रहा था तो झूठ बोल दिया। मैं इस बच्ची की खातिर पूरी दुनिया से लड़ी हूँ, तरह तरह के ताने सुने हैं मैंने, और आप उससे मेरी मोहब्बत से दस्तबरदार हो गए, जान छुड़ाना चाहते हैं मुझसे। तुम्हारे बगैर एक पल नहीं जी सकता मैं रूमी, तुम खुद सोचो, खुद सोचो कितनी हिम्मत चाहिए होती है उस इंसान का नाता तोड़ने के लिए जिसके साथ आपकी सांसें जुड़ी हो। मैंने बहुत मिन्नतें की है रोहन की, नहीं माना, इसलिए तुम्हें जिंदगी देने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। ये कुर्बानी नहीं,
कत्ल है। हमारे रिश्ते और मैं ये सोच सोच के खुश होती रही कि आप एक बाप से उसके बेटे मांगते हैं। मुझे क्या पता था कि आप तो रिश्तों का सौदा करके आए। और रोहा ने क्या कहा? क्या मान रहा है उसे शक्ति के भाव के लिए? रोहा, तुम तो मेरे दोस्त हैं ना? एहसान मंद थे मेरे कि मैंने तुम्हारी बेटी को जिंदगी दी है। ये बदला चुका है तुमने मेरे एहसान को। ये कीमत लगाई है हमारी दोस्ती की। ये मसला आज का नहीं, हमेशा की रीत है। चाहे हानिया हो या उम्मे हानिया, औरत हमेशा मर्दों के फैसले के लिए चली। झूठ बोलकर अपना है, झूठ बोलकर छोड़ दिया। ना मर्जी पूछी, ना बताना गवारा किया। बस अपना हक इस्तेमाल किया और छोड़ दी। तो बताओ, बोलिए कामिल, बोलो रहा, क्या करना है? मुझे कहाँ जाना है? हानिया कहाँ जाएगी? किस घर में रहेगी? बोलिए। खामोश क्यों है? बोलो रोहान, बोलो। एक लाचार बाप और एक बेबस शौहर तुम्हारी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकते रोहान। हम सबकी जिंदगियों के फैसले तो वो करता है ना, और कामिल जिस इंसान से उसकी अपनी मोहब्बत छिन गई हो, तुम्हारी मोहब्बत कैसे छीन सकता है? हाँ, हानिया मेरी बेटी है और मेरी सबा की आखिरी निशानी भी। हानिया पर तुम्हारा हक है रोमी, मैं किसी मां से उसकी औलाद का सौदा नहीं कर सकता रोमी, नहीं होगा मुझसे। आज हानिया से आखिरी बार मिलने आया। और कामिल, इसे अपना नाम दे और इसे कभी भी ये नहीं पता चलने देना कि इसका हकीकी बाप कौन है। और इसकी परवरिश बिल्कुल वैसे करना जैसे रहमान अंकल ने रूमी की। मैं पागल हो गया, मैं पागल हो गया था जो इसे तुम्हारे नसीब से छीनने की कोशिश की। ये तो अपने नसीब में ही तुम्हारे घर का पता लिखवा था लाइक। और जब से सबा गई उसके बाद आज पहली दफा मुझे कुछ सुकून महसूस हो रहा है। मैं खुश हुई और मुझे यकीन है कि सबा भी खुश होगी। बस तुम मुझसे एक वादा करो, मुझसे वादा करो कि तुम इसे क्रिकेटर बनाओगे। और रहमान अंकल का ख्वाब जरूर पूरा करो। मिस्टर रोहान, कहाँ हैं आप?
हम लेट हो रहे हैं। डॉक्टर ये सब क्या है? मिस्टर रोहान ये अपनी माँ को कहीं नहीं डोनेट कर रहे हैं। I'm sorry रोहान, मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा है। It's okay. मामे को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर रोमिया, I'm sorry. मैं कान पकड़ता हूँ. Sorry. अच्छा मैं तुम्हारे आगे हाथ छोड़ता हूँ. प्लीज माफ कर दो. प्लीज मामा को कुछ नहीं आना चाहिए। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा आपकी मामा को। मुझे बचाने के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की तुमने। मैंने तो वही किया मामा, जो एक बेटे का फर्ज था। अब आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, हमेशा आपके साथ ही रहूंगा। Wow! Good girl!